5 दिसंबर 2023 को हुई राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मैडी की हत्या की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बीते कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गोगा मैडी हत्याकांड से जुड़े 31 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। मुख्य रूप से ये छापेमारी राजस्थान और हरियाणा में की गई। नमस्कार, मैं हूँ देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। छापेमारी के दौरान NIA ने एक प्रमुख संदिग्ध अशोक कुमार को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से कई हथियार और गोला बारूद की बरामदगी भी की गई है। NIA के मुताबिक अशोक कुमार कुख्यात गैंगस्टर रोहित गुदारा से संपर्क में था। रोहित गुदारा वही गैंगस्टर है जिसने सुखदेव सिंह गोगा मैडी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा NIA उन सूटरों के घर भी पहुंची जिन्होंने गोगा मैडी को गोलियां मारी थी, जिनमें रोहित राठौड़ और नितिन फौजी शामिल है। रोहित और नितिन दोनों को 9 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन NIA की कोशिश है कि इनके ठिकानों से और सबूत मिल सकते हैं। इसी को देखते हुए बीती सुबह करीब 5 बजे सबसे पहले टीम सुखदेव सिंह गोगा मैडी हत्याकांड के मुख्य आरोपी नितिन फौजी के गांव डोंगरा जाट पहुंची। इससे पहले एक टीम राजस्थान के अलवर से नितिन फौजी की पत्नी को गाँव डोंगरा जाट लेकर आई। टीम की ओर से नितिन फौजी की पत्नी, पिता और अन्य परिजनों से भी बातचीत की गई। जानकारी के मुताबिक NIA की टीम महेंद्रगढ़ के कई गांवों जिनमें दोंगड़ा जाट, खुड़ाना, कौथल खुर्द, रेवासा और सतनाली में छापेमारी के लिए पहुंची। वहीं टीम ने रेवाड़ी में भी छापेमारी की। रेवाड़ी के सती कॉलोनी स्थित महेश सैनी के घर पर भी NIA की टीम पहुंची और रेड मारी। आपको बता दें कि महेश सैनी के खिलाफ 30 से 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बताते चले कि NIA की टीम पूछताछ के बाद लौट गई और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। बहरहाल अब तक हुई गिरफ्तारियों के बाद गोगा मैडी हत्याकांड में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो किसी न किसी रूप से इस हत्याकांड में शामिल हैं। इस बार NIA की टीम ने बड़ी संख्या जिसमें 30 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी की और पिस्तौल, गोला बारूद, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और DVR आदि सहित डिजिटल उपकरणों के साथ वित्तीय लेनदेन से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। NIA की कोशिश है कि इस मामले से जुड़ा कोई भी पहलू जांच से न छूट जाए। यही वजह है कि टीमों की तरफ से लगातार छापेमारी जारी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।